बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकेंड ईयर इंग्लिश लेक्चर सेकेंड है आज। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में एक पैराग्राफ किया था जिसकी ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में, और साथ साथ हम करेक्शन कर रहे हैं। तो कश्मीर के मुसलमान कई बरसों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और कई बरसों से, इसका मतलब है इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कश्मीर के मुसलमान, द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, या कश्मीरी मुस्लिम भी हम कह सकते हैं, द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर लड़ रहे हैं, हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, हैव बीन आएगा, हैव बीन फाइटिंग, लड़ रहे हैं फॉर के लिए अपनी आज़ादी, देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है। कश्मीर के मुसलमान कई बरसों से फॉर मैनी सेवरल ईयर्स, अगर आप ये मैनी और सेवरल ना लगाए, खाली ईयर्स लिख दें तो इसका मतलब भी कई होता है, ठीक है। अगर खाली ईयर्स लिखोगे तो इसका मतलब भी कई साल होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है, कई वर्षों से लड़ रहे हैं। उसके बाद है, इसकी वजह ये है, द रीजन, वजह ऑफ दिस, इसकी, इज दैट, ये है द रीजन ऑफ दिस, इसकी वजह इज दैट, ये है कि इंडिया, दैट इंडिया उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर हुकूमत कर रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर हुकूमत कर रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर हुकूमत कर रहा है। द रीजन ऑफ दिस इज दैट, इसका रीजन ये है कि इंडिया उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर हुकूमत कर रहा है, इंडिया इज रूलिंग, रूल होता है हुकूमत करना, तो रूलिंग हुकूमत कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, इज रूलिंग देम, उन पर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इंडिया इज रूलिंग देम, इंडिया उन पर हुकूमत कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ, अगेंस्ट के खिलाफ, देयर उनकी विल मर्जी, ठीक है। द रीजन ऑफ दिस इज दैट, इसकी वजह यह है कि इंडिया इज रूलिंग, इंडिया हुकूमत कर रहा है देम, उन पर, अगेंस्ट देयर विल, उनकी मर्जी के खिलाफ, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद है, बहुत से कश्मीरी नौजवान इस जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, कश्मीरी यंग मैन, बहुत से कश्मीरी नौजवान हैव, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये प्लूरल है इसलिए हमने हैव लिया। मैनी कश्मीरी यंग मैन, बहुत से कश्मीरी नौजवान हैव लेड देयर लाइफ, अपनी जाने कुर्बान कर चुके हैं इन दिस वॉर, इस जंग में, ठीक है। बहुत से नौजवान इस जंग में, बहुत से कश्मीरी नौजवान, मैनी कश्मीरी यंग मैन हैव लेड देयर लाइफ, अपनी जाने कुर्बान कर चुके हैं इन दिस वॉर, इस जंग में, ठीक है जी। उसके बाद है, हजारों खवातीन बेवा हो चुकी हैं, हजारों हो चुकी हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ हजारों विमेन, हजारों खवातीन हैव बिकम, हो चुकी हैं विडो, बेवा, ठीक है, बेवा, विडो, थाउजेंड्स ऑफ विमेन, हजारों खवातीन हैव बिकम विडो, बेवा हो चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट।
उसके बाद है हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं, ये भी परफेक्ट, ठीक है। तो इसकी भी थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन हैव बिकम हो चुके हैं ऑर्फन यतीम। ऑर्फन का क्या मतलब होता है? यतीम। तो हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। एक बात मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, करेक्शन के लिए भी, जब इसके साथ ऑफ आता है तो ये हमेशा प्लूरल में आता है, थाउजेंड्स हो, डजन्स हो, या फिर हंड्रेड्स हो, अगर उसके फौरन बाद ऑफ आएगा तो ये फिर हमेशा प्लूरल में आएगा, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल या हंड्रेड्स ऑफ पीपल या डजन्स ऑफ पीपल। अच्छा, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे हैव बिकम बन गए हैं ऑर्फन यतीम, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद है भारतीय जुल्म दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो भारतीय जुल्म, इंडियन, भारतीय जुल्म, क्वालिटी, ऑपरेशन भी, ऑपरेशन का भी मतलब है, इज बढ़ना क्या, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है डे बाय डे, दिन ब दिन, डे बाय डे, दिन ब दिन, ठीक है। भारतीय जुल्म, इंडियन ऑपरेशन या इंडियन क्रुएल्टी इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है डे बाय डे, दिन ब दिन, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए हमने इज आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाई। उसके बाद है पाकिस्तान ने इस मसले को कई बार अक्वामे मुत्तहिदा में उठाया है, उठाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन बेसुध, लेकिन बेसुध का मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो कई बार अक्वामे मुत्तहिदा में उठाया है, उठाया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पाकिस्तान ने इस मसले को, पाकिस्तान, पाकिस्तान ने हैज उठाना, रेज, हैज रेज, पाकिस्तान ने उठाया है दिस इशू, इस मसले को, मैनी या सेवरल भी लिख सकते हैं, टाइम्स, अब प्लूरल आएगा, ठीक है, टाइम्स, मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा, इन दी यू एन ओ, इनमें आप जो है ये चूंकि एब्रिविएशन है, इनमें आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में फुल स्टॉप नहीं लगाते, अगर आप लगा भी देंगे तो ये गलत नहीं होगा। और इसके अलावा चूंकि ये एब्रिविएशन में इसका नाम लिखा है, इसलिए इसके साथ दी लगता है, अगर एब्रिविएशन ना होती तो दी भी नहीं लगाते। पाकिस्तान है स्टेज, पाकिस्तान ने उठाया है दिस इशू, इस इशू को, मैनी या सेवरल टाइम्स, कई मरतबा, इन द यूएनओ, यूएनओ में, लेकिन बेसुध, बट लेकिन इन वेन, बेसुध, ठीक है, इन वेन का क्या हो सकता है, बेसुध, समझ आ गई बात की। पाकिस्तान एज देश, पाकिस्तान ने उठाया है दिस इशू, इस मसले को, सेवरल टाइम्स, कई बार, इन द यूएनओ, यूएनओ में, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बेसुध, ठीक है बेटा। इसको समझ के करेंगे, टेंस को समझ के करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर आपको ये समझ आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपने निगलेक्ट नहीं करना है, इसको ज़रूर करना है और कोशिश करनी है। ये होगी आपकी ट्रांसलेशन, और अब हम करते हैं करेक्शन, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम ये करेक्शन करते हैं, करेक्शन मैंने लिखी है, इसमें से मोस्ट ऑफ जो करेक्शन है, ज़्यादातर करेक्शन आप लोगों ने पहले की हुई है, ठीक है। देखो, वेयर दिस रोड लीड्स टू, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको याद होगा कि जिस जुमले के शुरू में ये होता है वो जुमला क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव जब भी हम एक जुमले को बनाते हैं, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। दिस रोड लीड्स टू, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है और ऐसे इसका इजाफा होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डज दिस रोड लीड टू, ये इंट्रोगेटिव बन गया, ये एस खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके साथ वही डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाना है, ठीक है। उसके बाद है हिज हेयर आर वाइट, ये जुमला हमने कई दफ़ा किया हुआ है, हिज हेयर इज वाइट, और इससे आपको एक ये भी पता जो है
वो आइडिया हो जाना चाहिए कि जुमले यही बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप अच्छी तरह से सीख लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। यानी एक तो इसका प्लूरल ही बनता है, दूसरा इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। लेकिन अगर हम कुछ बालों की बात करेंगे, पूरे बालों की बात नहीं करेंगे, काउंटिंग में बालों की बात करेंगे, तो फिर प्लूरल भी आएगा और उसके साथ वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगा। जैसे हर फाइव हेयर्स आर वाइट, ठीक है। अब ये जुमला ठीक है, हेयर्स भी ठीक है और आर भी ठीक है, क्योंकि सारे बालों की बात नहीं हो रही। जब पूरे बालों की बात होगी फिर ना ही इसके साथ एस आएगा और ना ही इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगाएंगे। वर्ब भी प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा और एस का इजाफा भी नहीं करेगा। उसके बाद है मुस्लिम लार ब्रेव नेशन। इस जुमले में जो गलती है वो ये है कि इसमें द नहीं लगा हुआ, दा लगेगा। उसकी वजह यह है कि जब हम कौमों के नाम लिखते हैं तो उनके साथ दर्द लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बड़ी दफा ये बताया है कि इंग्लिश और इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब जुबान, इंग्लिश जुबान है और इंग्लिश का मतलब कौम यानी अंग्रेज कौम, तो द लगाने से कौम बन जाती है। इसी तरह से द मुस्लिम लगाएंगे जब भी हम किसी कौम का जिक्र करते हैं तो उसके साथ द का इजाफा करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यू आर काइंड टू मी। प्रेपोजिशन की गलती है जुमले में, प्रेपोजिशन की गलती है, ये आर्टिकल की गलती है, ये वर्ब की गलती है, ये टेंस की गलती है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन की गलती है, काइंड टू होता है ना कि काइंड ऑन। जब आपने प्रेपोजिशन अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो फिर इस तरह के जुमले आप खुद ही आसानी से कर लोगे। और आपको ये भी आइडिया होगा कि जो प्रेपोजिशन हैं वो करेक्शन में भी दे देता है, यानी प्रेपोजिशन के डबल डबल इस्तेमाल आते हैं। उसके बाद शी इज नॉट एज प्रिटी एज रबिया, वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी रबिया है। अच्छा, जब हम एक जुमले को इस तरह से यूज करते हैं तो फिर हम उसमें पहले सो लगाते हैं। शी इज नॉट सो प्रिटी एज रबिया, वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी रबिया है। जैसे कि ही इज नॉट एज फास्ट एज अर्शद, वो अर्शद जितना तेज नहीं है। तो फिर अब ये सेम जुमला है मैंने लिखा, यहां पर एज आएगा, ठीक है, सॉरी यहां पर सो आएगा। शी इज नॉट सो फास्ट एज अर्शद, ही इज नॉट सो फास्ट, वो इतना तेज नहीं है एज अर्शद जितना अर्शद है। तो यही जुमले का मतलब है, शी इज नॉट सो प्रिटी एज रबिया, कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी रबिया है। ठीक है बेटा, ये करेक्शन हो गई आपकी कंप्लीट, मतलब आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।